नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, नए दिन के नई शुरुआत के साथ मैंने आज का ब्लॉग शुरू कर लिया। जैसे आप मुझे देख सकते हैं, आज मैं उत्तराखंड के नए गांव पहुंच चुका हूं, जिसका नाम है नदोली। तो आप पीछे में देख सकते हैं कि ये नदोली गांव का जो मेन गेट है, जहां से गांव का प्रारंभ होता है, गांव की शुरुआत होती है, ये वहां से वीडियो शूट कर रहा हूं। तो चलिए आपको नीचे लेके चलते हैं, गांव दिखाते हैं आज। तो वीडियो बने रहे। मंदिर नदोली गांव का, तो ये मंदिर भी दिखाऊंगा आपको, आप देख सकते हैं वीडियो में। ये भी कीर्तन भजन का आयोजन किया गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं वीडियो में। अंदर दिखाऊंगा आपको फाइनली यहाँ से मंदिर। माता रानी आपका आशीर्वाद बने रहे हमेशा। पुराने टाइप के घर बन रखे हैं, ऐसे घर बहुत ही कम जगह में देखने को मिलते हैं, क्योंकि आजकल जो लोग हैं ना, वो अलग अलग टाइप के घर बनाने शुरू कर चुके हैं, सीमेंट वाले, ईंट वाले। तो ऐसे घर बहुत ही कम मिलते हैं। मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में कि जो ऐसे घर होते हैं वो इसी का काम करते हैं। तो चलिए आज आपको दिखा रहा हूँ नदोली गांव। पहला घर यहाँ पे दिखा, ये यह यहाँ का पहला घर। अब चलते उधर और घर दिखेंगे यहाँ पे। दोस्तों एक घर ये है इधर नदोली गांव के। तो सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे जो पालतू डॉग है, एक वो भी है जो काटने के लिए आता है, तो इसलिए संभल के चलना पड़ रहा है, कहीं भी मिल सकता है वो। ऐसे बहुत ही प्यारे प्यारे घर बन रखे यहाँ पे नदोली गांव में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों ने यहाँ पे हल्दी लगा रखी है। दोस्तों यहाँ पे जो घर है ना, बहुत दूर दूर बन रखे हैं, पास पास कोई घर है नहीं। करीबन 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर की दूराई पे यहाँ पे घर बने हुए हैं। जैसे और गाँव में थे ना घर पास पास थे, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं। थोड़ा यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर भी ये घर ही है, बहुत प्यारा सा घर है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत पुराना टाइप का घर बन रखा है और बहुत ही अच्छा घर है। ऐसे घर बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो, बहुत ही प्यारा सा घर है देखने को मिला यहाँ पे। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि लोग अब इस टाइप के घर बनाना शुरू कर चुके हैं लोगों ने, और वाले घर तो बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, इधर बहुत ही अच्छे अच्छे फूल लगा रखे हैं यहाँ पे, प्यारे प्यारे से फूल। और इधर दिखाऊंगा आपको यहाँ पे नींबू, कागजी नींबू जो बोलते हैं ना, जो एक बार बीच में 200-300 रुपये किलो से लगे थे शहर में मार्केट पे, तो वही नींबू यहाँ पे दे सकते हैं। इधर भी लग रखे हैं बहुत प्यारे प्यारे नींबू, दे सकते हैं। इधर भी घर है, लेकिन उसकी हालत आप दे सकते हैं, कितनी बुरी हालत हो रखी है उसकी, क्षतिग्रस्त हो चुका है, टूट चुका है पूरी तरह से। और उधर भी घर है, वो भी दिखाऊँ आपको। लेकिन यहाँ भी लोगों ने यहाँ पे गाय भैंस बांध रखे यहाँ पे, ये देखिए इस घर में लोग पलायन कर चुके हैं। और देख भी सकते हैं कि घर के आंगन में घास और कुमरी झाड़ बोलते हैं पहाड़ी में, वो भी हो रखा है। इधर देख सकते हैं बहुत प्यारा सा घर बनाने के बाद लोग शहर में चले गए हैं, असुविधा के कारण यहाँ से चले गए हैं। प्यारे घर बनाने के बाद लोग घर छोड़ के शहर में जाना शुरू हो चुके हैं। तो इसका मेन कारण वस्तु ये भी है कि यहाँ रोजगार नहीं है और यहाँ पर सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे घर में रह के। दोस्तों मुझे एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिला कि यहाँ पे लोगों ने ज़्यादातर गाय पालक है, और मेरे को बहुत अच्छा लगा इस गांव में आके, क्योंकि मेरे को गाय के दर्शन हो गए हैं सुबह सुबह। छोटा सा बच्चा, इधर भैंस, इधर गाय, बहुत सारी गाय देख सकते हैं। यहाँ पे 2-3 गाय है, उनका बच्चा भी है इधर, देखिए इधर एक ही है, एक ही है, देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा घर है और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे घर दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे एक कवर करने की कोशिश करूँगा। इधर लोगों ने बहुत सारे भैंस पालक है, गाय पालक है, देख सकते हैं आप। इतना सुंदर सा घर बना रखा है देखिए। और यहाँ देखिए, इधर भी भैंस का बच्चा, इधर बड़ा भैंस, इधर गाय का बच्चा, इधर गाय, उधर भैंस का बच्चा, इधर गाय, इधर भी गाय का बच्चा, और इधर भी गाय का बच्चा, उधर भैंस, उधर भैंस, सभी जगह। मतलब कितने सारे जानवर रख रखे इन लोगों ने, और बहुत ही मतलब अच्छा है, ऐसे रखना चाहिए। तो दोस्तों धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे हैं। इधर आपको एक घर भी दिखाऊंगा, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत पुराने टाइप का घर बना रखा है, और उसको मेंटेनेंस करने के लिए ऊपर से पॉलिथीन डाल रखा है, ताकि बारिश के टाइम पे पानी नीचे ना अंदर ना आए, मतलब घर के अंदर, और सामान ख़राब ना हो। तो दोस्तों अभी तो यहाँ पे कोई लोग घर में है नहीं, क्योंकि आजकल घास काटने का सीजन है। दोस्तों यहाँ पे अम्मा बता रहे कि 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक यहाँ पानी नहीं आया, यहाँ पे देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको हर जगह भी दिखाया था, प्रशासन हर समय बोलता है कि मैंने हर घर नल, हर घर जल दे रखा है,
तो जल का एक बूंद तक नहीं आया यहाँ पे 3 महीने से बता रहे हैं अम्मा। और ऐसा कब तक चलेगा, आखिर ये हर गांव की समस्या है। तो ये घर देख सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से घर बनने के, रोज लोग यहाँ पे प्लान भी कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, सरकार कुछ सुविधा दे रही है, यहाँ पे रोजगार नहीं है, तो लोग क्या करेंगे घर रह के? अपने पेट पालने के लिए लोगों को यहाँ से शहर जाना ही पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ जाके जॉब कर रहे हैं और अपना फैमिली का पेट पाल रहे, अपना पेट भी पाल रहे हैं। रोजगार के छाना घर पर नाम ना ना अपन नाम पाण छे लोग अपन नाम पाण छे रोजगार के घर पर छे ना पाण अगर तराड़ पाण में तराड़ पाण अगर 3 महीने के पानी आ रहा है। अब क्या करो हम और बिल आगो बल जग जाऊंगी बिल आम बल पा हम हमारा बिल नहीं भरो। हाँ सही बात है, जब पानी मिले मुझे बिल नहीं भरो, पानी मिल मा बोल हमारा बिल नहीं भरो, जब बिल आम से जब हम बिल के भरा, जब हमको सुविधा नहीं मिल रहा पानी मिले, पानी नहीं मिल रहा हम बिल के भरो। सही बात है, दिखा रहा हमको फिर क्या हम बिल के भरा। सही बात है, सही बोलो तुम झूठे बोलो ना ना सही से जो दिखा हुई तुम बोला अच्छा, मुझे तीन हरा ना ना बिल्कुल वो हर जगह ऐसा हो रहा कतु जग ना में हर गाँव में ऐसा हो रहा पानी समस्या नहीं दो जब पान आ जाए मेहंदी पान मिलन तब बिल नहीं दिया। तो दोस्तों आपको अभी अम्मा ने यहाँ पे बताया कि यहाँ समस्या क्या है गांव की, पानी का बिल तो आना शुरू हो चुका है लेकिन गांव वाले बोले कि हम पानी का बिल नहीं देंगे। उनका जायज बात है, पानी का बिल क्यों देंगे जब उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रखी है, यहाँ पानी नहीं मिल रखा है, तो लोग फालतू में अपना पैसा क्यों दें। वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे लोग प्लान कर चुके हैं वहीं पे एक नया घर बनना शुरू हो चुका है, देख सकते हैं वीडियो में। और ये भी इन्होंने कुछ सोच के यहाँ पे घर बनाया होगा, क्योंकि यहाँ पे सोचा होगा कि यहाँ कुछ सुविधा देगा सरकार, तो उसके बाद यहाँ पे इन्होंने घर बनाना शुरू कर दिया है और बहुत ही अच्छा घर बना रखा है। अभी काम ही चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ देख सकते हैं बहुत ही पुराने टाइप के घर बन रखे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। और इधर देख सकते हैं वीडियो में ऐसे घर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ये आ रहा हूँ मैं आज नदुली गाँव में, तो इस घर की हालत ख़राब हो चुकी है। प्लान क्यों हो रखा है इसका भी मैंने आपको मुख्य कारण बता दिया, हर जगह की कारण है, रोजगार नहीं है, प्रशासन द्वारा कोई सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं होगा तो लोग घर छोड़ के जाएंगे ही, क्योंकि अपने फैमिली का पेट पालना है तो यहाँ से पहाड़ छोड़ के शहर में जाना पड़ेगा, क्योंकि शहर में ही रोजगार है। प्यारे घर बना के लोग चले गए शहर को, आपको उसका कारण भी बताया था मैंने क्यों गए क्या गए। तो अब देखिए ऐसी हालत होगी तो एक दिन उत्तराखंड पूरा खाली हो जाएगा और यहाँ पे बाहरी लोगों का यहाँ पे रहना शुरू हो जाएगा, बाहरी लोग यहाँ पे अपना कब्जा कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा घर बन रखा है, ऊपर से पॉलिथीन डाल रखा है घर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो बारिश का पानी है ना वो नीचे बारिश के समय जब यहाँ पे पानी आता है तो नीचे अंदर चला जाता है घर के अंदर, तो वहाँ पे सामान को नुकसान पहुँचाता है, सारे सामान भीग जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पॉलिथीन डाल जाता है। और ये पत्थरों का बना हुआ मकान होता है, ये एसी का काम करता है गर्मी के टाइम पे, ठंड के टाइम पे गर्मी का महसूस होता है इसके अंदर। अब ये देखिए ये घर की हालत देखिए टूट चुका है पूरी तरह से, प्लान का स्वरूप आपको हर जगह देखने को मिल रहा है, हर जगह प्लान। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं कि इतना प्यारा सा घर लोग छोड़ के चले गए। ओए होए 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 कितना प्यारा सा घर देखिए, बहुत ही पुराना टाइप का घर देखिए, ऐसे डिजाइन देखने को बहुत कम ही मिलते हैं। अब आप देख सकते हैं इधर घर के आंगन में भैंस बांध रखे हैं, इधर इधर पहाड़ी हर घर में आपको भैंस मिलेंगे। और इधर देखिए एक घर ये भी है, छानी ये है और ये बना रखा है यहाँ पे नया टाइप का घर, ऐसे बनना शुरू हो चुके हैं पहाड़ों में घर अब, क्योंकि जो पत्थर वाले मकान है वो बहुत कम बन रहे अब, ऐसे नए नए बन रहे अब। इधर देख सकते हैं ये है पत्थर वाला मकान, देखिए इतने पुराने पुराने टाइप के घर बन रखे हैं यहाँ पे पत्थरों के पूरे, ऐसे घर बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। तो ये घर दोस्तों ये भी यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे यहाँ पे गुड़िया बर्तन धो रही, इधर भैंस दे सकते हैं इधर, और यहाँ के लोगों ने ज़्यादातर भैंस गाय बकरियाँ बहुत पाल रखे हैं,
ये है मल्ला नदुली गांव। अब चलते हैं तल्ला नदुली, प्यारा सा घर। फाइनली यहाँ से मल्ला नदुली का वीडियो शूट हो चुका है, अब चलते हैं तल्ला नदुली। तो चलिए वीडियो में बने रहें, बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को। तल्ली नदुली यहाँ थोड़ा दूर से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे कुत्ते हैं, वो भौंक रहे हैं। ऐसा हो चुका है प्लान होने के बावजूद घर की हालत ऐसी हो गई है। नदुली का एक प्यारा सा घर भी देखने को मिल रहा है, बहुत ही प्यारा सा बना रखा है ये वाला घर। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारे प्यारे घर बन रखे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं ये वाला घर, देख सकते हैं इधर। इधर आंगन पे भैंस बांध रखा है, भैंस का बच्चा। ये घर अभी यहाँ भी देख सकते हैं वीडियो में, बहुत ही प्यारा घर, और उसके आंगन में बच्चा खेलना। देखिए अरे छोटू क्या नाम है, शानू। तो देखिए बच्चा अपना नाम बता रहा है, यहाँ देख सकते हैं वीडियो में। इधर भी एक लास्ट घर इधर रह गया है तल्ली नदुली का, वो दिखाऊंगा आपको। यहाँ देखिए तल्ली नदुली का लास्ट वाला घर, और इधर भी प्लान हो चुका है, लोग घर छोड़ के चले गए हैं। प्लान का मैंने मुख्य वजह आपको बताया था, रोजगार नहीं होगा तो लोग घर छोड़ के जाएंगे, क्योंकि अपने घर वालों का पेट तो पालना ही है, तो कैसे कैसे रोजगार करेंगे उसके बाद पेट तो पालना ही है। यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे अब यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर उधर तक सारा छानी है, छानी मतलब यहाँ पे गाय भैंस बने जाते हैं, उधर से घर शुरू हो रहे, तो वो वाला दिखाऊंगा आपको, वीडियो बने रहे, बिल्कुल भी स्ट्रेट मत करना। ये भी छानी है, इतना बड़ा छानी है, देख सकते हैं यहाँ पे पत्थर वाला घर बना रखे यहाँ पे। इधर घर दिखाऊंगा आपको, तल्ली नदुली गांव, यहाँ के घर, यहाँ के लोगों का पलायन। ये देखिए ये वाला घर भी टूट चुका है, ये देखिए प्लान की वजह से। उधर ठीक सामने घर और दिख रहा है, वो भी प्लान की वजह से लोग चले गए हैं, तो प्लान कर चुके हैं लोग, तो वाला घर भी टूट चुका है। तो चलते आपको आगे लेके चलेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में, इधर ये घर देख सकते हैं क्यों ये घर टूट चुका है। इसका मुख्य कारण यही है कि रोजगार नहीं होने की वजह से लोग प्लान कर चुके हैं। देख सकते हैं दोस्तों आपको मैं यहाँ पे वीडियो में एक चीज दिखाने की कोशिश करूंगा, अपने मैंने कल आपको मैंने पाली गांव में दिखाया था, और वही चीज यहाँ भी देखने को मिल रहा है, जो बिजली विभाग है उसका लापरवाही आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ये बिजली का खंभा देख सकते हैं कि टेढ़ा हो चुका है, कभी भी यहाँ पे बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई भी एक्शन लिया जा रहा है इसमें, कोई प्यारे प्यारे घर बनने के। यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं कि ये घर इधर भी है, और बहुत ही अच्छे अच्छे घर है यहाँ। लेकिन दोस्तों पहले इस घर में चहल पहल बहुत होती होगी, हर घर में चहल पहल बहुत होती होती, लेकिन अब लोग चले गए हैं शहर के लिए, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, पलायन ज़्यादा हो चुका है गाँव में, तो सिर्फ एक अम्मा बबू ही मिलेंगे यहाँ पे आपको ज़्यादातर। बढ़िया माँ, एक घर इधर भी आपको दिखाना चाहूँगा, एक घर ये है, वो यहाँ पे लगा के लोगों ने हल्दी, पहले बहुत चीज़ होती थी, बहुत खेती होती थी, लेकिन अब सिर्फ आपको हल्दी अदरक ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का आतंक ज़्यादा है, नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं साग सब्जी को। दोस्तों देखिए ये घर प्यारा सा ये है, ये वाला घर बहुत प्यारा सा घर है, यहाँ पे अम्मा मिली बर्तन अतन धो रहे हैं, इस तरीके से यहाँ बर्तन धोया जाता है पहाड़ी तरीके से। तो चलते उधर वाला घर भी है, इधर एक दो घर उधर भी है, वो दिखाऊँ आपको। ये देखिए इधर एक दो घर, अब चलते हैं इधर, ये पहाड़ी चूल्हा, दो चूल्हे यहाँ पे, अब चलते हैं इधर। ये देखिए के पहाड़ी केले के पेड़, ये है उधर भी केले के पेड़, इधर भी है, अब चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे गौशाला, आम पे लागो, बढ़िया माँ मामा। ये तो देखिए दोस्तों बहुत प्यारे प्यारे घर बनने के, यहाँ पे दिखाऊंगा आपको यहाँ पे, और इधर सारे घर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे प्यारे प्यारे से घर बन रखे यहाँ पे, और ये तल्ली नदुली है, तल्ली नदुली दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, मैं पूरा दिखाऊंगा, एक एक घर दिखाऊंगा आपको। देखिए ये घर इधर भी है, बहुत प्यारा सा घर है, लेकिन यहाँ पे प्लान हो चुका है, लोग घर छोड़ के शहर में बसना शुरू हो चुका है, मुख्य कारण वही है, रोजगार नहीं है, सुविधा नहीं है, असुविधा के कारण लोग यहाँ से घर छोड़ के जा रहे हैं, सरकार सुध नहीं ले रही है।
तेरा फूल लगा रही थी। ये घर बढ़िया मां। इधर भी घर है, लगभग लगभग घर यहाँ प्लान हो चुके हैं। लोग शहर में जाना शुरू हो चुका है लोगों का, मुख्य कारण उसका वही है, रोजगार सुविधा नहीं है यहाँ पे। यहाँ देखिए ये घर, ये भी यहाँ बहुत प्यारा सा घर, तो यहाँ देख सकते हैं। इधर भी नीचे एक घर था, वो भी मैंने बना दिया यहाँ पे। अब चलता हूँ ऊपर। तो दोस्तों फाइनली यहाँ से वीडियो शूट हो चुका है। ये है घर इधर, और ये है पंकज भाई का घर। अब चलते ऊपर गांव की ओर, दो चार घर रह चुके हैं, उसके बाद चलते हैं घर के लिए। पंकज भाई का घर है ये वाला, तो चलिए दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक प्यारा सा घर ये देखने को मिला, और इधर देख सकते हैं अम्मा बैठ रखी है। ये अम्मा बहुत ही हंसमुख अम्मा है, और इधर देख सकते हैं ये अम्मा खेती है। हाँ गौद लेके आया अम्मा भी। अब सुगनी डालेंगे, उसके बाद कूट के इसका दाने अलग लेंगे, उसके बाद दाल खाएंगे इसका। यहाँ पे दो दो भैंस पाल के, यहाँ के लोगों ने बहुत सारे भैंस पाल के हैं, तीन तीन दो दो भैंस तो हर घर में है। चले चलते अब इधर। ना ना अम्मा मुझे चाह पैन पी भागू। ये देखिए ये भैंस, ये भी है घूट रहा है, जैसा कर जैसे खा देगा मुझे है। दोस्तों फाइनली एक घर यहाँ पे रह चुका था, वो घर का भी वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। यहाँ पे देखिए घर के आंगन में लोगों ने रोजगार के लिए बकरियाँ पाल रखी है, खुद का स्वरोजगार कर रखा है यहाँ पे लोगों ने। यहाँ देखिए प्यारा सा घर, मैंने आपको बताया था ना कि पुराने घर बनने बंद हो चुके हैं, अब नए नए घर बनने शुरू हो चुके हैं सीमेंट और ईंट के, आप देख सकते हैं वीडियो में। और ये दो छोटे से भाई ने मैं सहायता किया था गाँव दिखाने में, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ से वीडियो शूट कर चुका हूँ। ये था नदोली गाँव, तल्ली नदली मल्ली नदी दोनों दिखा दिया आपको मैंने आज। तो आपको कैसा लगा ये गांव जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और जो इस गांव का निवासी है तो उनसे अनुरोध है कि मेरे वीडियो को जय जय शेयर करना, ताकि और लोग भी अपने गांव को दे सके। और अभी निकल रहा हूँ मैं घर के लिए, तो यहाँ से जाना मैंने पैदल घर। तो चलिए ठीक है, आप मिलेंगे अगले गाँव में, तब तक के लिए बाई।